प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के चौकीदार अभियान पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भाजपा नेता व प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तीखा हमला बोला है। भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस चौकीदार से भयभीत हो गई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस के समय में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, हर क्षेत्र में कांग्रेस के समय में घोटाले ही घोटाले होते थे, लेकिन अब चौकीदार की नज़र से चोर बच नहीं रहे हैं और चोरियां नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस देश की चौकीदार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के समय भी देश पर कई आतंकी हमले हुए, लेकिन सरकार पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन मोदी सरकार ने पुलवामा हमले के 10 दिन के भीतर ही POK में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। कांग्रेस आज मरती हुई पार्टी है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए महागठबंधन कर रही है, लेकिन वहां कोई उसे हाथ नहीं मिला रहा है। खत्म होती कांग्रेस पार्टी के बयानों पर लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जो है वो चौकीदारों से भयभीत है, इसलिए वो उल्टी सीधी बात जो है वो करने पर आज जो है मजबूर हो रहे हैं। हिंदुस्तान में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, कौन सी ऐसा क्षेत्र है जहां पर घोटाला नहीं था? अरबों खरबों के घोटाले और सारी की सारी कैबिनेट जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो जेल के सिक्सों के पीछे थी। तो ऐसे लोगों को जो है वो जो चोरी करने से जो है वो कभी बाज नहीं आते थे, उनको आज लगाम लग गई है, इसलिए वो चौकीदार से डर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की नरगल बातचीत जो है कर रहे हैं। मुंबई का हमला हुआ, उससे पहले अनेकों बार जो है वो हमले हिंदुस्तान पर होते रहे, लेकिन कभी हिंदुस्तान की उस समय की सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो पाकिस्तान के किसी एक भी सिपाही के खिलाफ जो है कोई एक्शन ले सकें या आतंकी के खिलाफ एक्शन ले सकें। ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान में जिस प्रकार से जो है उन्होंने पुलवामा का जो है वो आतंकी घटना की, उसका जवाब 21 मिनट के एयर स्ट्राइक के अंदर जो है वो दे दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है वो आज फिर से जो है वो मरती हुई पार्टी है। कांग्रेस के लोग तो अभी कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनके सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कांगड़ा में उन्होंने जो है वो जो हमारे ही भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए हैं पवन काजल, उनको ही उठाने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। GS वाली ने भी मना कर दिया, आशा कुमारी ने भी मना कर दिया, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। वो हम किसको कैंडिडेट देना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आउटलुक है, और कांगड़ा चंबा सीट पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा, चाहे शांता जी होंगे या कोई और होगा, वो भारी बहुमत से जीतेगा। तो इसलिए कांग्रेस के लोग जो हैं वो सारे हिमाचल में, उनको तो अभी तक कैंडिडेट नहीं तय हो पा रहे हैं, जिस व्यक्ति को बोलते हैं उसमें वही व्यक्ति मुकर जाता है। अब हमीरपुर में भी वो राजेंद्र राणा, वो भी भारतीय जनता पार्टी से गया हुआ व्यक्ति है, उसको चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, कभी उसके बेटे को चुनाव लड़ाने की बात करते हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, लड़ाए ना वहां से मुकेश अग्निहोत्री को और सुखविंदर सिंह सुक्खू को, तो पता चले कि भी वो लड़ सकते हैं और जीतने की कमादा रखते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मंडी सीट पर भी उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, उसके लिए भी वो भारतीय जनता पार्टी का ही मुंह ताक रहे हैं कि हम उनको कैंडिडेट प्रोवाइड करें, चाहे वो पंडित सुखराम जी का पोता हो, कोई भी हो। लेकिन असल बात तो यह है कि कांग्रेस के पास अपने पास जो है वो लड़ने के लिए कोई एमुनेशन है नहीं, इसलिए जो है वो बिना हथियारों के, बिना एमुनेशन के कांग्रेस जो है वो अखबारी दमगजे मार रही है, बाकी जो है उनके पास कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अनर्गल जो है वो उनका केवल मात्र प्रलाप कर रहे हैं, वो उनके पास कोई ठोस जो है वो ना तो कैंडिडेट है, ना मुद्दे हैं, ना उनके पास नीति है, ना नेतृत्व है। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।